हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ओवरस्मार्ट। आज है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखने का डे टू। फ्रेंड्स, ओवरस्मार्ट इज अ चैनल वेयर यू कैन लर्न, एक्सप्लोर एंड ग्रो। सो टुडे इज आवर डे टू ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड आवर फर्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस दैट वी विल डिस्कस इज सेफ फेस। हमारा जो पहला इडियम्स एंड फ्रेज है वो है सेफ फेस। इसका मीनिंग क्या होता है? कीप अ गुड रेपुटेशन और अवॉइड डिस्ग्रेस, मीन्स अपने एक इमेज को अच्छे रखने को। इंग्लिश में इसमें इडियम्स क्या क्या गया है? सेफ फेस। तो इसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। द गवर्नमेंट डिसीजन टू आउट द अक्यूज मिनिस्टर वॉज सिंपली अ फेस सेविंग एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या हुआ? द गवर्नमेंट ने एक अक्यूज मिनिस्टर, मतलब जिसके ऊपर कुछ आरोप लगा था, उस मिनिस्टर को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो बस अपना एक इमेज बचाना चाह रही थी, अपना एक रेपुटेशन अच्छा रखना चाह रही थी। इसीलिए बस वो क्या उसमें वो नहीं करना चाह रही थी गवर्नमेंट किसी पब्लिक हित के लिए, जनता के हित के लिए उस मिनिस्टर को बाहर नहीं निकाला, बल्कि उसका रेपुटेशन सही रहे उसी लिए उस मंत्री को निकाला। तो इसीलिए क्या यूज़ हुआ है यहाँ पे? फेस सेविंग एक्सरसाइज। दिस वाज द फेस सेविंग एक्सरसाइज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेफ फेस का मतलब क्या हो गया? अपना रेपुटेशन को अच्छा रखना, अपना इमेज को अच्छा रखना। ठीक है, बेइज्जती होने से बचना। ठीक है, अपनी बेइज्जती होने से बचने को बोलते हैं सेफ फेस। आई सेव माई फेस। ठीक है, मतलब हम अपनी डिस्ग्रेस होने से, अपने आप को बदनाम होने से बचा लिए, अपना इमेज सही रखे, अपना रेपुटेशन सही रखे। तो चलिए दोस्तों, आज के दूसरे नंबर पे है हमारा लाइक फादर लाइक सन। इसका मतलब तो हिंदी में यही हो गया, जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब जो बाप का चरित्र था वैसे ही बेटा का चरित्र है। तो इसका मीनिंग एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन द सेम मैनर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जैसा बाप था वैसे ही बेटा होगा। बाप अगर अच्छा आदमी था तो बेटा भी अच्छा आदमी होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, उसका बाप ही वैसा था तो बेटा क्यों नहीं होगा? चोरी कर रहे बेटा तो क्या नहीं बात है, उसका बाप भी वैसे ही था। तो एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं एक इंग्लिश में। ही डिसाइडेड टू गिव अवे हाफ ऑफ हिज इनकम टू चैरिटी लाइक फादर लाइक सन, मीन्स उसने अपनी आधी कमाई को चैरिटी में दे देना, मतलब दान में दे दिया, क्योंकि लोग बोल रहे हैं क्योंकि ये करे रही ना, क्योंकि इसका बाप भी वैसे ही था, मतलब इसके फादर भी बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए ये भी बहुत अच्छा आदमी है। इसके फादर भी चैरिटी में इनकम अपनी चैरिटी में दिया करते, तो ये भी दे रहा है। तो लाइक फादर लाइक सन, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हिंदी में भी मुहावरा है, जैसा बाप वैसा ही बेटा। अ फ्लाई ऑन द वॉल, नंबर थर्ड पे है अ फ्लाई ऑन द वॉल। इसका मतलब होता है एन अनसीन ऑब्जर्वर और लिसनर, मीन्स एक अनदेखा ऑब्जर्वर, मतलब जो हमारी बातों को सुन रहा है या देख रहा है बिना हमारी नज़रों के सामने आए, उसे बोलते हैं इंग्लिश में अ फ्लाई ऑन द वॉल। ये इडियम से, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आई विश आई कुड बी अ फ्लाई ऑन द वॉल व्हेन ही रिवील्स द सीक्रेट ऑफ हिज प्रमोशन टू हिज वाइफ, मतलब हिंदी में इसका, मैं चाहता हूँ कि मैं उस समय रहता एक फ्लाई ऑन द वॉल बन के जब उसने अपनी वाइफ के सामने अपनी प्रमोशन की बात बताई, मतलब मैं उनके एक्सप्रेशन को देखना चाहता था कि वो कैसा एक्सप्रेशन होगा उसकी वाइफ का और वो कैसे उसे बता रहा होगा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। काश मैं देख पाता, मतलब काश मैं फ्लाई ऑन द वॉल रह पाता। ठीक है, तो इसका मतलब काश मैं वहाँ पे छुप के बैठ रहता और उनकी देख पाता उनकी कन्वर्सेशन कैसे चल रही थी, मैं उनकी एक्सप्रेशन को देखता, उनकी फीलिंग को देखता। तो इसी का मतलब होता है फ्लाई ऑन द वॉल। दोस्तों, मेरी तरफ से मैं आपको प्रमोट ये भी करूँगा कि आप अपनी तरफ से अपने एग्जांपल्स बनाएं, भले ही खराब एग्जांपल्स हो, मींस उतना ग्रामेटिकली सही नहीं हो, लेकिन वो आप बनाएं, क्योंकि बनाना ही आपको, क्योंकि बना रहे हैं आप सिर्फ, मतलब समझे। अगर आप नहीं बना पा रहे मतलब आप नहीं समझे। ठीक है, आज नंबर फोर्थ में जो हमारा है इंडियम से रेस वो है एट द एंड ऑफ द रोड। इसका मतलब तो क्या लग रहा है? जहाँ पे रास्ता खत्म होता है, नहीं, लेकिन इसका इंग्लिश में मतलब है, मीनिंग हम चलते हैं, इसका मतलब होता है एक फाइनल कंक्लूजन और आउटकम। द कंक्लूजन और फाइनल आउटकम, मीन्स बोलते हैं ना द एग्जाम हैज एंडेड या द एग्जाम हैज कम एट द एंड ऑफ द रोड, मीन्स एग्जाम खत्म हो गया है, अब फाइनल आउटकम निकलेगा, मतलब रिजल्ट निकलेगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द बॉस वॉन्ट्स वी शुड कम एट द एंड ऑफ द रोड एज फास्ट एज पॉसिबल, मीन्स जो बॉस है वो चाहता है अपने एम्प्लॉय से कि वो जल्दी से फाइनल आउटकम लेके आए, जल्द से जल्द फाइनल आउटकम लेके आए। तो इसी का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द रोड। तो देख रहे ना, इसका कहना कुछ और है, लिटरली मीनिंग इसका हमको नहीं लेना है। लिटरली ले रहे तो क्या मतलब हो रहा है कि रास्ते के खत्म होता है, जहाँ पर रास्ता खत्म होता है वही, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? एक फाइनल आउटकम और कंक्लूजन। जो आज नंबर फिफ्थ पे हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब बहुत ही जल्दी जल्दी ये यूज़ होता है, हर जगह ये यूज़ होता है, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ऑफिशियल जो लोग रहते हैं वो इसे हमेशा यूज़ करते हैं। तो क्या ये नॉट वंस कप ऑफ टी, सुनने से क्या लग रहा है कि ये किसी की चाय की प्याली नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। इसका मतलब होता है नॉट टू वंस लाइकिंग टेस्ट एक्सेट्रा, मीन्स सबकी बस की बात नहीं है, उसी को बोलते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी। फॉर एग्जांपल, आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू द डांस कॉम्पिटिशन बिकॉज डांसिंग इज इंट माई कप ऑफ टी, मैं डांस कॉम्पिटिशन में नहीं गया क्योंकि मैं समझ गया डांस मेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे बस की बात नहीं है उसी को बोलते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हर जगह यूज़ होता है, फिफ्थ नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा और इसे हर जगह यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। बोलिएगा नो आई कॉन्ट गो टू द
go to the restaurant with my friends. Yeah, I will not go to the restaurant with my friends because they eat spicy foods, and eating spicy food is not, isn't my cup of tea. ठीक है, क्योंकि spicy food हमारे खाने के बस नहीं है. ठीक है, हमारी बस की चीज़ नहीं है तीता खाना, तो उसी को बोलते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी. तो फ्रेंड्स, मैं फिर से व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ. जिन्हें जिन्हें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो अपने नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में सबमिट कर दें. तो अब मिलते हैं दोस्तों डे 3 में. आज के लिए इतने ही. थैंक यू.